मुझे खुशी है कि उन्होंने स्वीकार किया जो हालात देश के अंदर है बने हुए हैं। और साध्वी अनादि सरस्वती जी ये मानती है कि देश में प्रेम भाईचारा सद्भाव होना चाहिए, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था भारत जोड़ो यात्रा के अंदर। वही थीम देश ही होगी तभी देश तरक्की करेगा। इनका मानना ही नहीं, हम सबका मानना है। घर में भी झगड़े होते हैं, वो घर कभी ऊपर नहीं उठता है। वही बात लागू होती है गांव के लिए भी। गांव में झगड़े होंगे, गांव पिछड़ जाएगा। वही बात लागू होती है प्रदेश के लिए, वही बात लागू होती है देश के लिए। हालात जो है उसके अंदर आपने तय किया है मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूँ, और कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी ने, रंधावा साहब ने, और मोहन प्रकाश जी ने जो हमारे इंचार्ज हैं ज्वाइनिंग के, इन सब ने इनके प्रस्ताव को स्वीकार किया है। मुझे खुशी है कि आज एक फ्रीडम फाइटर परिवार की हमारी साध्वी जी जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर रही है, ये बात की मुझे बहुत खुशी है। और मैं समझता हूँ कि जो मामला ये जो फैला रखा हिंदुत्व का, उसको मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, गाय माता की बात ये लोग करते हैं। अगर गाय माता की किसी सेवा करिए तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने करी है। पिछली गवर्नमेंट ने गौशालाओं को 500 करोड़ रुपए दिए थे, हमने अभी 1000 करोड़ रुपए दिए हैं, 3000 करोड़ रुपए दिए हैं। कहाँ 500 करोड़, कहाँ 3000 करोड़ दिए गौशालाओं को अनुदान, नंदीशालाओं को 9 महीने का अनुदान, जो देश में कहीं पे भी नहीं है। लंबी रोग आ गया, गाय माता तरह तरह के मर रही थी। एक माता सरकार राजस्थान की जिसने 40,000 रुपये दिए प्रति गाय, 40,000 रुपये दिए। आगे हम काम देने योजना लेके आ रहे हैं जिसमें गौ माता के लिए बीमा होगा पशुपालकों के लिए। तो पशुओं के लिए, पशुपालकों के लिए भी हमारी सरकार सब कुछ कर रही है। विभाग के पहले जब डायरेक्टर बना था तो मैंने बनाया था जब गाय माता के लिए। पुजारियों को हम दे रहे हैं, मानदेय बढ़ा रहे हैं उनका, मंदिरों की मरम्मत हम करवा रहे हैं, गोविंद जी मंदिर में 100 करोड़ रुपए का कॉरिडोर बना रहे हैं। तो ये जो राजनीति कर रहे धर्म के नाम पर, अब ये चलने वाले नहीं है। तो लोग समझ गए हैं कि राजस्थान के अंदर सरकार सबको साथ लेके चल रही है। और चुनाव में भी हम जाएंगे तो जो हमने परफॉर्मेंस दी है, हमने स्कीम लेके आए 1 से बढ़कर 1 जो देश में कहीं नहीं है। 25 लाख का बीमा किसे कहते हैं इलाज का, बताइए आप। ओपीएस किसे कहते हैं, जो आज हमने गारंटी दे दी है अगली बार सरकार आएगी हम कानून बना देंगे उसके लिए। ये हमने गारंटी दी है 7 गारंटी में। तो कहने को वो सारी बातें हैं। मैं इतने कहना चाहूँगा हमारी स्कीमें, हमारे कानून पास किए गए वो हमारी गारंटी है। इसके आधार पर ही हम जनता के बीच जा रहे हैं। और हम चाहेंगे कि जनता में वापस रिपीट करे, अपना आशीर्वाद दे, हमें कामयाब करे, सरकार रिपीट होगी। तो आज जो स्कीमें हैं तमाम स्कीमें और मजबूत होगी आने वाले वक्त के अंदर। गारंटी दी जा रही है, गारंटी और मजबूत होगी, ये हमारी सोच है। इस रूप में हम लोग आगे चलना चाहते हैं। और सरकार बदलती है तो जो नुकसान हुआ है पिछली बार वो सबके सामने है, चाहे रिफाइनरी की बात हो, चाहे वो मेट्रो की बात हो, चाहे अन्य स्कीम बंद कर दी गई। ये मैं समझता हूँ लोकतंत्र में उचित नहीं है। लंबी बात नहीं करता हूँ मैं। साध्वी अनादि सरस्वती जी जो पार्टी ज्वाइन कर